चलिए भाई हम लोग फर्स्ट यूनिट पे आते हैं अब, है ना, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर बता दूं मैं आपको, ये समझो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए, इलेक्ट्रो नॉट इलेक्ट्रॉन एंड प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से, या हम इसको चार्ज भी बोल सकते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं बट चलो भी बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है। एंड व्हाट इज स्टैटिक्स, दिस इज रेस्ट, ठीक। तो आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है तो क्या बोलोगे आप, चार्ज से आप फैमिलियर हो यार, अभी मैं चार्ज को डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, हालांकि मैं पूरे लेक्चर में चार्ज को ही डिस्कस करूंगा बट अभी इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, अगर आप कहीं पे चार्ज की रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद चार्जेस एट रेस्ट। अभी बताया था आपको कि चार्ज भागेगा तो क्या बन जाएगा भाई, दैट विल बी करेंट, विल डिस्कस इन करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सिर्फ चार्ज को रेस्ट पर डिस्कस करना है कि चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं यार चार्ज से रिलेटेड कुछ, देखते हैं हम नेचर में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, चार्ज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की है। लाइटनिंग ऑब्जर्व की है, सबने ऑब्जर्व की होगी यार, जब वेदर थोड़ा खराब होता है तो आपको लाइटनिंग होती है स्काई में, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप कभी कार ड्राइव करके आ रहे हो, ठीक है, और कार ड्राइव करके आइए आप और उसका गेट ओपन करिए, ड्राई वेदर होना चाहिए, वेदर शुड बी ड्राई, ठीक है। ड्राई वेदर में आप कार ड्राइव करके आइए, उसके गेट को ओपन करिए, देखिए हल्का सा आपको स्पार्क लगेगा, ठीक है। जब गेट खोलोगे ना तो उसका टच से आवाज आएगी, तो वो जो स्पार्क होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, चार्ज, ठीक है। तो स्पार्क इन कार गेट, ये स्पार्क किसी की वजह से होता है। फिर पता नहीं यार तुमने बचपन में किया है कि नहीं किया, वो एक एग्जांपल वो होता था, एक्टिविटी होती थी सिक्स सेवन क्लास में, एक कॉम को लीजिए ना और कॉम को रब करिए हेड से, और जब कॉम को रब करोगे तो कॉम कैन पिक पेपर, ये पेपर के अगर पीसेज है ना तो कॉम उसको ऐसे उठा लेता है, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज, ये एग्जाम्पल्स होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक और देख लेते हैं। अच्छा डिवाइसेस हम कौन सी यूज़ करते हैं जो चार्ज पे वर्किंग करती हैं, दैट इज प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर भाई चार्ज पे काम करता है। ये आप अपने आप पढ़ोगे, प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ लेता है सब चीज़ें, ठीक है। प्रिंटर कैसे काम करता है, तो ये हमारी चार्ज पे बेस्ड जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और बाकी आप और अपने आप लिस्ट कंपाइल करिए, ये अभी मुझे चार याद आ रहे हैं, मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप और कंपाइल करिए लिस्ट को, ठीक है, कि चार्ज हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। यार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एक्चुअली। जब तक आपको चार्ज के बारे में नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बारे में नहीं पढ़ा होगा, तब तक आप लाइट को नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो लाइट बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, मतलब लाइट के बारे में किसी को पता ही था कि लाइट है क्या। तो जब ये सारी थ्योरी डेवलप हुई, कौन सी, इलेक्ट्रिक की थ्योरी डेवलप हुई, इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी डेवलप हुई, उसके बाद मैग्नेट की थ्योरी डेवलप हुई, ठीक है। और फिर इन सबको कंबाइन करके पता चला कि जो हमारी लाइट होती है दैट इज मेड ऑफ एक्चुअली क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये आपको फाइनली लाइट तक पहुंचाएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पहले शुरुआत करते हैं चार्ज से, ठीक। अब देखो यार बहुत चीज़ें आपको पता है, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें पता हैं, उनको मैं बेस लेके चलता हूँ, और आप हाँ ना कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। प्लस माइनस क्या करते हैं बोलो, अट्रैक्ट करते हैं, पता होगा आपको। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये बातें आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो आपको ये सब पढ़ाया गया वहाँ पे। आयनिक बॉन्ड अगर आपने पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और वैसे भी आप ये नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो बेसिक सा, अगर आप नाइन्थ एनसीईआरटी देखेंगे तो आपने वहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा, मतलब जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तो आप सीखोगे क्या, आप सीखोगे तो यही, तो फिर आप पूछोगे पढ़ क्यों रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमको चार्ज को पढ़ना है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि चार्ज को लोगों ने कैसे डिस्कवर किया, है ना, और चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे,
ठीक है, तो कुछ नया नहीं पढ़ने वाले आप, लर्निंग आउटकम हमारा सेम रहेगा, बस थोड़ी सी हमें इसकी हिस्ट्री देखनी है और हिस्ट्री पे क्वेश्चन बनते हैं यार, इसीलिए देख रहे हैं हम। ठीक है, अब ये मत पूछा हिस्ट्री पढ़ाने की क्या जरूरत, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग चार्ज को डिस्कस करेंगे इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, जितनी भी फिजिक्स में पॉइंट डिस्कवरी हुई है ना, वो सारी हुई है ग्रीस में, वहां के लोग बड़े टैलेंटेड होते थे। ठीक, तो देखो ये थे एक थेल्स ऑफ मिलिटस, ये थे तो बताए क्या थे, ये थे फिलोसोफर। जो फिलोसोफर थे तो क्या करते थे, है ना, ये इनको फिजिक्स भी आती थी और इनको मैथ्स भी आती थी। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली, मैं तुमको थोड़ा बता दूं कि पुराने टाइम पे क्या होता था ना, फिजिक्स और मैथ्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मतलब कोई साइंस वाइंस नहीं होती थी, मैथ्स नहीं होती थी, सब कुछ फिलॉसफी होता था। ठीक है, मतलब हर चीज़ को लोग फिलॉसफी से एक्सप्लेन करते थे, तो मतलब फिजिक्स तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिलॉसफी होती थी, मतलब कुछ अगर तुमको वो सेब नीचे गिर रहा है ना, तो उसको भी लोग फिलॉसफी से बताते थे। ठीक है, दो और दो चार होता है ना, उसको भी लोग फिलॉसफी से बताते थे। तो काफ़ी आगे जाके ना ये ब्रांचेस धीरे धीरे अलग हुई हैं, तो सबसे पहले फिलॉसफी ही होती थी। तो जब भी आप कोई बहुत पुराने उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चला फिलॉसफर होते थे। ठीक, और फिलॉसफी से ही वो अलग अलग, उनका अलग अलग होता था, कोई मतलब कोई फिजिक्स में है, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथ्स में है, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन हम फिलॉसफी से ही करते थे। तो फिलॉसफी से जाके बहुत लास्ट में जाके सब ब्रांचेस आपकी अलग हुई हैं। ठीक है, तो ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो यार, कभी कभी आपको फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जब आप कहीं रिसर्च रिसर्च करोगे ना, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे, अभी हमारे काम की बहुत नहीं है। ठीक है, तो थेल्स ऑफ मिलिटस थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक स्टोन होता था एम्बर, ठीक, और इन्होंने एम्बर को ना एक क्लॉथ से रब कर दिया, क्लॉथ था सिल्क का, तो इन्होंने देखा कि यार जब रबिंग करते हैं ना एम्बर को किसके साथ, सिल्क के साथ, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, अगर हम दो एम्बर के पीसेस को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें, ठीक, और उन दो एम्बर के पीसेस को पास पास ले आए, ये एम्बर और ये एम्बर, तो पता क्या होता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है रिपल्शन, किसमें, एम्बर एम्बर में, अगर हम एम्बर को सिल्क से रब करें और इनको पास में रख दें एम्बर प्लस सिल्क, तो यहाँ पे डेवलप हो जाता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनको यार पूरा क्रेडिट जाता है डिस्कवरी का। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो अट्रैक्शन हुआ, अब देखो आपको बैक एंड माइंड चीज़ें कुछ पता है, ठीक है, तो मैं उनको बेस मान के पढ़ा रहा हूँ आपको, कि एम्बर एम्बर में रिपल्शन हुआ। ठीक है, रिपल्शन इसलिए हुआ कि इनमें क्या डेवलप हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब हमने एम्बर और सिल्क को रब किया, तो इनमें क्या डेवलप हो गया, अट्रैक्शन डेवलप हो गया, और अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, अपोजिट। ठीक है, तो थेल्स ने ये बताया कि जब हम चीज़ों को रब करते हैं, तो रब करने के बाद उनमें अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्या डेवलप हो जाती है, कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, चार्ज। ठीक है, अब उसमें चार्ज, तो चार्ज ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ प्रॉपर्टी दे दिया गया कि यार एक प्रॉपर्टी होती थी, एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी, एक नेगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो अब ये जो मैं नेक्स्ट एक्टिविटी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेंशन इन एनसीईआरटी बोर्ड में कभी कभार एक बार बहुत पहले पूछे गए इस पर क्वेश्चन, ठीक है, आपको आना चाहिए ये, देखो ये घर पे कर सकते हो आप, इसकी किट आती है पता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको इसकी किट मिल जाएगी, आप मंगा सकते हो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद आप मंगा सकते हो। देखो एक्टिविटी में क्या होता है, तो थेल्स का एक्सपेरिमेंट था, मतलब थेल्स का जो ऑब्जर्वेशन था, उसको हम लोग घर पे कर सकते हैं। ठीक, कैसे, देखो भाई ये किट आती है, तो इस किट में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूंगा, लिंक विंक दे दूंगा, एक ग्लास की रॉड होती है, ठीक है, और साथ में घर पे भी कर सकते हो यार, लेकिन थोड़ा घर पे एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे उतने अच्छे, ग्लास एंड सिल्क, ठीक, और उसमें क्या था, एक प्लास्टिक की रॉड होती है, प्लास्टिक बेसिकली एमोनाइट होता है, एक ये बढ़िया से चार्ज होता है, ठीक है, इसको एमोनाइट बोलते हैं, और इसके साथ आपको फर मिलेगी। ठीक है, तो करोगे क्या आप सिल्क को ग्लास के साथ रब करोगे, ठीक, और फर को करोगे एमोनाइट के साथ रब, ठीक है, और रब करके इनको पास पास लाओगे। तो देखो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप ग्लास और ग्लास की रॉड को पास लाओगे, तो यू विल सी रिपल्शन, ठीक है, अगर आप ग्लास और प्लास्टिक की रॉड को साथ लाओगे, यू विल सी अट्रैक्शन, एंड इन प्लास्टिक एंड प्लास्टिक यू विल फाइंड रिपल्शन। ठीक है, और ग्लास और सिल्क को हमने एक्चुअली रब किया था ना, दिस इज ग्लास एंड दिस इज सिल्क, तो ग्लास और सिल्क को पास लाने पर क्या हुआ, यहाँ पे डेवलप हो गया अट्रैक्शन। ठीक है, और
प्लास्टिक को हमने किसके साथ रब किया था, प्लास्टिक को हमने रब किया था किसके साथ, फर के साथ, ठीक है। तो प्लास्टिक प्लस फर, इनमें डेवलप हो गया अट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस आए, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस आए। तो इसके बाद जो है लोगों ने बताया, मतलब लोगों ने नहीं बताया यार, एक और महान थे, साइंटिस्ट थे ये भी, फिलोसोफर थे ये भी, ठीक है, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत ही महान हस्ती थे, पढ़ लेना इनके बारे में यार, पाँच मिनट में विकिपीडिया खोल के, मैंने भी वहीं से पढ़ा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये फिलोसोफर थे और 17th सेंचुरी के आसपास इन्होंने बताया ना यार, ये फिलोसोफर भी थे, इनके बारे में सुन लो, इनको मैथ्स भी आती थी, इनको फिजिक्स भी आती थी, पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, ये पॉलिटिक्स में भी थे और यूएसए के फाउंडर थे, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, आपको पता होना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, ठीक। तो इन्होंने बताया ना यार, इन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता है कि जब आप ग्लास को सिल्क से रब करते हो और प्लास्टिक को आप फर से रब करते हो, तो इनमें दो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी आ जाती हैं, ठीक। इन्होंने बोला कि जब ग्लास और सिल्क को आप, भाई कोई प्रॉपर्टी में चेंज आया तभी तो अट्रैक्शन हुआ ना, जब आपने दो चीज़ें नॉर्मल थी उनमें कुछ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जब आपने रब किया अट्रैक्शन डेवलप हुआ, तो किसी प्रॉपर्टी में चेंज आया होगा, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टी ग्लास में आई है ना उसको बोल दो पॉजिटिव और उसको चार्ज बोल दो, और जो सिल्क में आई है उसको बोल दो नेगेटिव, ठीक। और जो प्लास्टिक में आई है वो हमारी नेगेटिव आई है, ठीक है, और जो हमारी फर में आई है वो आई हमारी पॉजिटिव। ये इन्होंने बोला कि अगर आप दो बॉडीज को रब करते हो तो उनमें दो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी आती हैं, दो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी आती हैं, एक को प्लस बोल दिया एक को माइनस। ये प्लस माइनस कम और ज़्यादा नहीं है भाई, ये प्रॉपर्टी है सिर्फ, ठीक है। फिजिक्स में प्रॉपर्टी को भी हम माइनस साइन से डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन वेक्टर्स, वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो उसको हम प्लस एक्स बोलते हैं, और नेगेटिव में होता है उसको नेगेटिव एक्स, तो डायरेक्शन इज यूज, नेगेटिव साइन इज यूज फॉर डायरेक्शन, एंड सिमिलरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर यूज फॉर प्रॉपर्टीज, तो ये माइनस साइन इज ओनली फॉर प्रॉपर्टी, ये मैं सोचना कुछ कम ज़्यादा है, ठीक। तो दिस इज पॉजिटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज नेगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से भाई बोला कि चार्ज कैसा होता है, तो चार्ज नाम दे दिया और बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। और कुछ बोला कि फ्लूड का एक्सचेंज होता है, कुछ उन्होंने बताया भाई देयर सम चेंज ऑफ फ्लूड, मतलब इनके बीच में कुछ फ्लूड का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ही होता है, ठीक है। बट दे हैव नो आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको तो पता है यार, अभी सोच रहे हो यार सर क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो इधर से उधर गए होंगे, पता ही आपको कि इलेक्ट्रॉन जाता है तो कैसा चार्ज आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव आता है और जिस पर गया उस पर नेगेटिव, लेकिन उसमें बड़ी चीज़ थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, थॉमसन ने बताया यार, जे जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सारी पिक्चर क्लियर हुई कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, थॉमसन की जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब लोगों ने सोचा कि यार वो रब करने पे क्या हो रहा था, तो लोगों को समझ में ये आया कि जैसे मैं कोई एटम ले लेता हूँ, ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ 8 और 16 ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का खेल है इसमें, ठीक है। यू हैव 8 प्रोटॉन्स, यू हैव 8 न्यूट्रॉन्स एंड यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मत पूछना कैसे लिख दिया यार, ये तुमको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का पॉइंट है, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव, एंड एटम इज न्यूट्रल, जो एटम होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो देखो बताया ये गया कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, दे आर इनसाइड न्यूक्लियस। बाहर कौन घूम रहा होता है, बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप रब करते हो, रब करने में आपको पता है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं, तो एनर्जी देने पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं, एक्चुअली ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, एनर्जी मिलेगी बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पे यहाँ पे यू हैव 8 प्रोटॉन्स प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब हो गया यहाँ पे एक कितना चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझे। इलेक्ट्रॉन दे दोगे उसको तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, और जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, समझे आप। इस वजह से बॉडीज पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो इन सब का कंक्लूजन क्या रहा, ये सब सारी कहानी हम मिक्स करते हैं, सब कंबाइन करते हैं, और फाइनली लोगों ने बताया
कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज बोला कि दो तरह का होता है, कैसा कैसा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। और क्या बताया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कहीं पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, वैसे एटम न्यूट्रल होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, दे रिपेल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट। तो भाई चार्ज जो है सारी कहानी, दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस चार्ज कभी भागता नहीं है एक्चुअली, प्लस चार्ज तो किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज कहीं नहीं निकलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से जाएंगे उस पर पॉजिटिव आएगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये होती है चार्ज की कहानी। यार यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है भाई, क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, एनसीईआरटी में बोर्ड में पूछता है कि ग्लास की रॉड पे कैसा चार्ज आता है। तो ग्लास की रॉड पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक। ध्यान कर लेना, नोट कर लेना इसको, ठीक है। प्लास्टिक की रॉड पे कैसा चार्ज आता है, तो ये आता है निगेटिव। ये क्वेश्चन बन जाएगा, तुमको याद है तो आंसर आएगा, किसी लॉजिक से तुम नहीं बता सकते, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड। अब यार ये बताओ, ग्लास और सिल्क को हमने जब रब किया तो वाई ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड वाई सिल्क इज निगेटिव, वाई ग्लास इज पॉजिटिव एंड सिल्क इज निगेटिव, ठीक है। तुम थोड़ा तुम सोचोगे ना तुम आंसर दे सकते हो। हुआ क्या होगा पता है, कि जो सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना और ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंडेड होंगे, ठीक है। अगर ग्लास का इलेक्ट्रॉन ये लूजली बाउंडेड होगा और ये जो है ये टाइटली बाउंडेड है, किसका, सिल्क में, ठीक। तो या जब तुम उसको रब करोगे, एनर्जी दोगे, तो इसको भी जंप मारना है, इसको भी जंप मारना है, कौन पहले जंप मारेगा, जो लूजली बाउंडेड है, तो ये ग्लास का इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, या इसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं यार, लेट्स यूज बाइंडिंग एनर्जी यार, ठीक है। लेट मी राइट बाइंडिंग एनर्जी, नॉट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इज समथिंग डिफरेंट, है ना, वो हम लोअर में पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताया क्या होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, मतलब ये इजिली निकल जाएगा, और ये इसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें से नहीं निकलेंगे। तो जब आप दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हो, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। नेगेटिव वो आएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, पॉजिटिव वो आएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती ना, उसके इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन कि वाई ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड वाई सिल्क रॉड इज नेगेटिव। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से सब एक्सप्लेन होता है यार, समझे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही सारा खेल है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यार, भाई हम लोग किस चीज़ के बने बताओ, अरे हम लोग एटम्स के बने हुए यार, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, समझे। और एटम्स में, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, समझे, उनमें आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देख लो भाई, हम जब तक हमको ये नहीं पता होगा हम किस चीज़ के बने हुए हैं और हमारी वर्किंग कैसे हो रही है, मतलब हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, जो भी होते हैं, दे ऑल मेड ऑफ एटम्स, और एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी इसी पर टिकी हुई है, किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, ठीक है। इवन फ्रिक्शन फोर्स, मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वॉक करते हो ना, दैट इज, जब आप वॉक करते हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मारता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन डेवलप होती है वो भी क्या होती है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो नेचर में बहुत ज़्यादा होता है हर जगह, फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। और बाकी तुमको बता ही दिया यार कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स एटम्स की, और वहाँ पे भी ये फोर्स होता है।
तो ये यार ये हमने जो चार्ज का डिस्कशन किया था, दिस इज हिस्ट्री ऑफ चार्ज की, मतलब हिस्ट्री में चार्ज को कैसे कैसे डेवलप हुआ 600 BC में। भाई ये थेल्स ने 600 BC में किया था, और जाके ये 18th सेंचुरी के एंड में ना, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी लोगों को पता चला कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इतने साल लग गए इसको डिस्कवर करने में। तो ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल वो था चार्ज के बारे में, ठीक है। चलिए मैं अगली क्लिप में पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लिप्स में बना रहा हूँ, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्लिप, ओके।